लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंजेस होने चाहिए। हम लगातार पुजारा, रहाणे सबको बैक करते रहे हैं कि नहीं, इन्हें जारी रहना चाहिए। लेकिन आप ये भी देखिए, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ पिछले कुछ सालों में जिस तरह से मजबूत हुई है, अगर आप चेंज नहीं करेंगे, अगर आप जो बाहर प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्हें आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करने का मौका नहीं देंगे, तब तो एक जनरेशन इसी तरह से खेलती रहेगी बाहर और दूसरी फेलियर के बाद कंटिन्यू करेगी। लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दे दीजिए। मुझे सर सीरियसली ये 2011 का वो पीरियड का याद आ गया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया टूर। आपको याद होगा जब भी इंडिया 4-0 इंग्लैंड में हारा और फिर ऑस्ट्रेलिया गया। आई थिंक वीवीएस लक्ष्मण और राहुल रॉबर्ट कली, मैं देख रहा था, दोनों मिड 20s में एवरेज कर रहे थे वो सीरीज में, और बहुत बात चल रहा था कि अरे यार रोहित और रहाणे को अंदर लाइए, बस हो गया। और एक्चुअली उसके बाद रोहित द्रविड़ और लक्ष्मण रिटायर हो गए और टूर के बाद कभी खेले नहीं। तो आई एम नॉट सेइंग ये वापस रहाणे के साथ होना चाहिए, बट मैं एकदम सहमत हूँ आपसे। आई थिंक नाउ दैट अगर ये इंडिया स्पेशली मैच हार भी जाए तो हनुमा विहारी हैं जो प्रूवन टेस्ट परफॉर्मर है, आपके लिए एक मैच बचा है लास्ट टाइम जब भी उन्होंने खेला, तो एक मैच मिलना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, वो उन पे भी बहुत अनफेयर होगा हनुमा विहारी पे कि एक मैच मिलेगा, यू नो, एंड स्पेशली अगर वो मैच में सोचिए इंडिया हार गया तो उन पे भी इतना प्रेशर आ जाता है। सो इट्स अ टफ कॉल नाउ दैट आपने चार टेस्ट ले लिया है विदाउट ड्रॉपिंग एनीवन, तो एक मैच के लिए जो चेंज करना, आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट मैच। बिल्कुल।